रजपुरा थाना क्षेत्र के रजापुर गांव का मामला। दो पक्षों में चले लाठी डंडे, ईंट पत्थर में घायल हुए आधा दर्जन लोग। संभल के थाना रजपुरा क्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते आपस में दो पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे तथा ईंट पत्थर, जिसमें एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के घर पर चढ़कर लाठी डंडों तथा ईंट पत्थरों से हमला बोल दिया, जिसमें करीब आधा दर्जन लोग जख्मी हो गए तथा ग्रामीणों के बचाने के बावजूद भी दोनों पक्ष आपस में नहीं माने तो देखते ही देखते झगड़ा इतना भयंकर हो गया कि लोग आपस में खून में लथपथ होने लगे। बताया जाता है कि थाना रजपुरा क्षेत्र के रजापुर में एक परिवार के कुछ लोगों ने लाठी डंडों तथा ईंट पत्थर लेकर दूसरे पक्ष के घर पर चढ़कर धावा बोल दिया और घर पर चढ़कर दूसरे पक्ष के लोगों के साथ जमकर मारपीट करना शुरू कर दी। आपको बता दें कि एक तरफ कोरोना वायरस के संक्रमण से पूरे भारत में लॉकडाउन चल रहा है तथा चप्पे चप्पे पर पुलिस मुस्तैद है, वहीं दूसरी तरफ आप तस्वीरों में साफ तरह से देख सकते हैं कि किस तरह से लाठी डंडों तथा ईंट पत्थरों से प्रहार किया जा रहा है। ना तो इन्हें पुलिस का डर है और ना ही उन्हें कानून का भय। अगर ऐसे में कोई बड़ा हादसा हो जाए तो क्या होगा, जिसमें करीब आधा दर्जन लोग घायल बताए जा रहे हैं तथा वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस के द्वारा सभी घायलों को रजपुरा के सरकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां की डॉक्टरों ने हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया। पूरा मामला जी भैया पुरानी रंजिश है। अच्छा, और मतलब इन लोगों को प्लान हुआ हमें मानना को। अच्छा, और हमें इन्होंने घर पर चढ़ के मारे। घर पर चढ़ के मारपीट हुई है? घर पर चढ़ के मारपीट हुई है। चोट किसके आई है? चोट आई है हमारे दो लड़कों को। अच्छा, ज्यादा चोट आई है? हाँ, ज्यादा चोट आई है। कहाँ दवा मेडिकल कहाँ चल रहा है? मेडिकल करवाओ मैंने रजपुरा। रजपुरा के बाद? रजपुरा के बाद तो संभल भेजे हैं। अच्छा, थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई अपने आपने? रिपोर्ट दर्ज कराई हमने। अच्छा, तो कार्रवाई हमारी हो गई है। अच्छा, सुनवाई हमारी कम हो रही है। सुनवाई कम चल रही है? हाँ। अच्छा, क्या आश्वासन दिया है पुलिस ने? कार्रवाई करने का आश्वासन नहीं दिया पुलिस ने? कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है हमें। अच्छा, मतलब राइफल करे उन्होंने। अच्छा, संभल को। अच्छा, अब संभल भाई लौट के आएगी। अब मालूम पड़ा भैया क्या हो या तो हमारी सुनवाई कम करी है। इन लोगों ने तुम्हारे घर पर चढ़ के मारपीट की है? हाँ, घर पर चढ़ के भीतर भर के मारपीट करी है। अच्छा, बच्चों को भी मारा है? हाँ, बच्चों भी मारे। अच्छा, लठिया गुण पे, बल्लम गुण पे, लाठी गुण पे, फरसा गुण पे, चाकू गुण पे और भाई मतलब हथियार हुए। अच्छा,